फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की अगर हमें चेंज करनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका था, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, यही हमने अभी तक पढ़ा है। इसी में अगर अब इसका फॉर्मूला अगर निकाला जाए, तो कल हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, और इसका फॉर्मूला हमें जो मिला है वो मिला है यू बी माइनस यू ए, ये इक्वल हो जाना चाहिए माइनस क्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस आर ए से लेके आर बी तक, ठीक है ना, या यहीं से हमें मिल गया था यू बी माइनस यू ए इक्वल हो जाना चाहिए क्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस आर बी से लेके आर ए तक, ठीक है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने कह दिया था कि हम सिंपली यूज कर सकते हैं कि यू बी माइनस यू ए, ये जो हमें मिलेगा ये इक्वल हो जाएगा क्यू ई इंटू आर बी माइनस आर ए। यानी कि मान लो कि इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई थी ई, ठीक है ना, और ये हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट है ए, ठीक है, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है कोई बी। तो एक चार्ज का पार्टिकल पहले यहां पे रखा हुआ था और उसे आपने डिस्प्लेस किया है, और फाइनली आप उसे बी पे ले जाते हो यहां पर। इनके बीच की सेपरेशन को मैं डी बोल देता हूं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बेसिकली क्या होगा, वर्क डन ही होगा, ठीक है ना, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लग रहा है आप देख सकते हो, क्यू इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट आर बी माइनस आर ए, अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी, ठीक है ना। यहां से आपको क्या मिला होगा, क्या ये वी बी माइनस यू, क्या ये यू बी माइनस यू है या यू ए माइनस यू बी है। अगर ऐसा देखा जाए तो आप देख सकते हो कि आपने क्या किया है, आर बी माइनस आर ए किया है, यानी कि हमें क्या मिला है, वी बी माइनस वी ए मिला है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, क्यू इंटू ई इंटू डी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, घटती जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी घटती जानी चाहिए, तो फाइनली बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट से क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना, ये हम यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी जाने में पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स भी इसी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, उसका ऑपोजिट, ठीक है। तो नोट्स में शायद फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, तो यू बी माइनस यू ए इसको आर ए माइनस आर बी कर लो, तो फिर सेट हो जाएगा आर ए माइनस आर बी, ठीक है, इसको अगर करेक्ट कर लोगे तो फिर सही हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, अ चार्ज पार्टिकल क्यू एंड चार्ज पार्टिकल फोर क्यू आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ डी, फाइंड द वर्क डन टू इंक्रीज द सेपरेशन टू थ्री डी स्लोली। अगर आप धीमे से स्लोली इनके बीच के सेपरेशन को डी से थ्री डी करते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो हमें कैलकुलेट करना है। कई लोग पॉजिटिव आंसर दे रहे। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें बोला गया है कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना, ए का चार्ज है क्यू और बी का चार्ज है फोर क्यू, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है इनिशियली डी। आप इस सेपरेशन को इंक्रीज करके कर देते हो, ये ए बोल देता हूं मैं, ये है बी, इस सेपरेशन को कर दिया जाता है थ्री डी, तो बोला जा रहा है कि कितना वर्क डन किया गया होगा। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें तो हमें पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो नहीं रही है, क्योंकि आप सेपरेशन जो इंक्रीज कर रहे हो वो स्लोली इंक्रीज कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमें पता है जीरो है, क्योंकि हम सेपरेशन को स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं लिख सकता हूं
वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कह सकते हैं, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये इक्वल हो जाना चाहिए जीरो के, यानी कि आप कह सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 3D सेपरेशन पे जो हो जाएगी वो हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू बाय आर, माइनस इनिशियली जो थी वो है के क्यू वन क्यू टू बाय पहले का सेपरेशन डी। यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हमें पता लगता है वो कितना हो जाएगा, माइनस एट के क्यू डी, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाय 3D, ठीक है। कुछ लोगों का आ गया था ये, किसी को डाउट है कैसे हुआ है इसमें? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। सभी लोग क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करो। इसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन ई, उसका मास एम है, इस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा नॉट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो। स्लोली, यहां भी वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, और हम जो चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं वो स्लोली डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, स्लोली का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इक्वल किसको जाना चाहिए, जीरो पे, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ नहीं है। अभिनव का डाउट है, वर्क डन तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन यू होता है, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तुम देखो तो वो जीरो उस तरफ जब गया इक्वल के तो वो पॉजिटिव हो गया। कुणाल का आंसर आया 2KE लैम्डा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होने वाला है, वो जाएगा यूबी माइनस यूए, ये इक्वल होना चाहिए क्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस आरबी से लेके आरए, मैंने माइनस साइन यूज नहीं किया, यूबी पहले लिखा है तो आरबी नीचे आएगी लिमिट, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले में बस पुट करना है। यहां से पहले मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल रही है ई इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसी भी डिस्टेंस, पहले हम एक्स पे जाएंगे और वहां से डीएक्स डिस्प्लेसमेंट करके देख लेंगे, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी के लैम्डा बाय आर, 2K λ/r, डिस्टेंस है एक्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने जो किया है वो है डीएक्स। तो ये हमें मिल गई छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसे मैं स्मॉल डी यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी को इंटीग्रेट करने से आपको टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी डेल्टा यू। इस पर लिमिट की अगर बात की जाए तो लिमिट इसकी क्या होनी चाहिए, आप देख सकते हो कि इनिशियली सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल सेपरेशन जो होगा वो होगा डी, और फाइनली जो सेपरेशन होगा वो होगा कितना 3D, तो इसे हम लेके जाएंगे डी से लेके 3D तक, ठीक है ना। यहां से हमें डेल्टा यू की वैल्यू मिलेगी जो कि हो जाएगी ई 2K λ ln
एक्स जो कि इंटीग्रेशन आएगा डी से लेके 3D तक, ठीक है, जो कि आ रहा है 2k लैम्डा इंटू ई एल एन 3D बाई डी, यानी कि इक्वल किसके हो जाएगा 2k लैम्डा ई एल एन 3। ये आपको मिल चुकी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी -2k लैम्डा ई एल एन 3। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जीरो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पुट कर देता हूँ 2k लैम्डा ई एल एन 3 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये क्या हो जाना चाहिए जीरो। यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें मिलेगा 2k लैम्डा ई एल एन 3। किसी को कोई डाउट? अच्छा ठीक है, 3D से लेके D होना चाहिए, सही बात है, 3D से लेके D हो गए। तो ये आएगा 1/3 एल एन ओ। सही है। ठीक है, ऐसे इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, ट्राई कर लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्रैक टू द अदर एंड, और पूरा जो सेमी सर्कुलर ट्रैक है वो एक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में रखा हुआ है, तो हमें वर्क डन बताना है, उसे लेके जाने में कितना करना पड़ा होगा। बेसिकली वही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है पहली बात तो हमारे पास, ठीक है ना, कुछ रेडियस उसका आर दिया गया है और चार्ज पार्टिकल को आप उस पाथ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, ठीक है ना, तो हमें बताना है कि कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा। पहली चीज तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ई नॉट, तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था ई और फाइनली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहा है इस तरह से, ठीक है ना। हमें तो क्या लगाना होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन ही लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी हुई है, हमें कांस्टेंट दी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दी हुई है तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि यूबी माइनस यूए, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो होगा ये होगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर ए माइनस आर बी, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले में बस इस चीज को पुट कर देते हैं। अब आर ए किसको बोला जाए, मतलब पहला कौन सा पॉइंट ए है और कौन सा पॉइंट बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर जो पॉइंट हमें पहले मिलता है वो पॉइंट ए होता है और जो पॉइंट बाद में मिलता है वो पॉइंट बी होता है। तो यहां से डेल्टा यू की वैल्यू हमें मिलेगी क्यू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है ई है, और सिर्फ आपको क्या लिखना है इसकी डायरेक्शन में इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, जो कि कितना हो जाएगा आर ए माइनस आर बी, यानी इस पॉइंट कहीं से भी आप नापना शुरू करते हैं तो इस पॉइंट की दूरी माइनस इस पॉइंट की दूरी, तो यही तो डिस्टेंस उनके बीच का आता, बस यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं -2। तो ये आंसर हो जाएगा -2qer। ठीक है ना, तो माइनस साइन बेसिकली किस लिए आया, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से नापना शुरू करोगे तो आर ए जो है आर बी से क्या है, आर ए छोटा है आर बी से, तो आर ए माइनस आर बी कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये तो था जो कल तक हमने पढ़ा है, आज की चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या डाउट पूछ रहे हो बेटा, जल्दी पूछो।
नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वर्क, नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वर्क नहीं है, आपको फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी देख सकते हैं, मैंने कहा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो कैसा आंसर देना चाहिए था, मैं नेगेटिव साइन के साथ देना चाहिए था। अब वो इलेक्ट्रॉन है तो ऑल्दो वो अपनी बढ़ा लेगा क्योंकि उस पे चार्ज नेगेटिव है, पर हम तो सीधे सीधे क्या पुट करते हैं, माइनस साइन पुट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है, अभी तक हमने अलग अलग शेप्स के लिए कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और हमने डायपोल भी देख लिया। फिर हमने एक टर्म पढ़ी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे जीरो मानते हुए पोटेंशियल एनर्जी बताया गया है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स डी सेपरेशन पे हैं तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाती है के क्यू वन क्यू टू बाय डी। अब हमें एक टर्म पढ़नी है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पर ये क्या करेगा, क्वेश्चंस को इजी कर देगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक तरह से नया टॉपिक नहीं है बल्कि पुराने टॉपिक को इजी करने का तरीका है। इससे हमें इंटीग्रेशन जो करना पड़ रहा है उससे हम बच जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे डिफाइन कैसे किया गया, इसे डिफाइन किया गया द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये वाली डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो और में लिखी हुई है, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट। अब हो क्या रहा था, कभी भी जैसे अभी इतने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उन सभी में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, किसी भी जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की छोटी सी दूरी लेनी पड़ती है। हम उसमें छोटा सा वर्क डन लिखते हैं, उसे इंटीग्रेट करते हैं, वहां से हमें टोटल वर्क डन मिलता है, ठीक है ना, और हम बोल देते हैं कि टोटल वर्क डन जो होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा था क्योंकि आप इस रास्ते से लेके जाते, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फंक्शन दिया होता F1, ठीक है ना, मैंने एक फंक्शन दे दिया था F1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तब भी सॉल्व करके आपका कुछ आंसर आता, मैं कह देता हूं मान लो कि हमें वर्क डन जो करना पड़ा है W1 करना पड़ा है। फिर मैं दूसरा कोई फंक्शन दे देता इलेक्ट्रिक फील्ड का कि आप इस रास्ते से लेके गए हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फंक्शन है F2, सॉल्व करके तब भी हमारे पास आंसर क्या आता, सेम ही आता। क्यों? क्योंकि आप उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पर जा रहे हो, बेसिकली आप ए पॉइंट से हमेशा स्टार्ट हो रहे हो और फाइनली आप बी पॉइंट पे जा रहे हो। तो अगर इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हमने पहले से कंसिडर कर रखी है तो उस जीरो के रिस्पेक्ट में इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो क्या है, फिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पहले से ही इनको कुछ वैल्यूज असाइन कर दें, जैसे मैं बोल दूं कि यहां से यहां के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है W1 के, तो फिर हमें बार बार इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप तो ऐसा याद रख सकते हो कि हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है कि UB माइनस UA इज इक्वल टू Q इंटीग्रेशन RB से लेके RA E डॉट DS। ये है फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या डिफाइन किया जाएगा, डेल्टा वी। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाएगा VB माइनस VA, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, UB माइनस UA अपॉन Q, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर आप Q को नीचे लेके आ जाओ तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, ई डॉट डी एस RB से लेके RA तक, ठीक है ना। इसी में अगर आप VA को क्या मान लो, इन्फिनिटी, जैसे हमने डिफाइन किए थी किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, हमने कह दिया था कि इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप जीरो मान लेते हो, ठीक है ना, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पे आप मान लेते हो,
जीरो, तो फिर किसी भी जगह की पोटेंशियल को आप डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी बेसिकली हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी अपॉन चार्ज क्यू, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इस तरह से हम किसी भी जगह का क्या डिफाइन कर देते हैं, पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं। इसका फायदा क्या है ये देख लो, इसका फायदा ये है, एग्जांपल में बोल देता हूं कि मान लो किसी ने ये डिफाइन कर दिया है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी नॉट और बी पॉइंट का पोटेंशियल है 4V0। तो बताओ पार्टिकल को अगर आप ए से बी लेके गए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको जो वर्क करना पड़ा होगा, आप इस रास्ते से लेके गए, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दी है ई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार आप इस रास्ते से लेके जा रहे हो, एक बार आप इस रास्ते से लेके जा रहे हो, या एक बार आप इस रास्ते से लेके जा रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव। तो उसका वर्क डन पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आने वाली है वो तो क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां से सिंपली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर कोई पूछे यू बी माइनस यू ए कितना होगा, तो इसे मैं कह सकता हूं ये होगा वी बी माइनस वी ए और इनटू आपका चार्ज क्यू, ठीक है ना। इसे मैं ले लेता हूं, मान लो 6V0 था ये और वो 4V0 है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 4V0 माइनस 6V0 इंटू क्यू, ये आ जाएगा माइनस 2Q V0, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसका नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, सिंपली वर्क डन। तो वर्क डन भी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी ने बोला है कि पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप ये बोल सकते हो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है ना। टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर हमसे कोई बोल दे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो हम बोल सकते हैं द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन किया गया है उसे हम कह देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप तो ये याद रखो कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद किए हैं रिंग के लिए, डिस्क के लिए, उसी तरह से हमें अलग अलग शेप्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी याद रखना है। कोई अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसे हम इस फॉर्मूले से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट की होती है चार्ज इनटू उस जगह का पोटेंशियल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी थी और चार्ज भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमें मिला है वो हम क्या लिख सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, हमने क्यू हटा दिया बस, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को बस क्यू से डिवाइड कर रहे हो, और आर बी से लेके आर ए तक। तो ये हो जाता है फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल का कैलकुलेट करने के लिए। और सिमिलरली यही मैं अगर मान लेता हूं कि इफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, इसी में मैंने कंसीडर क्या कर लिया है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी अगर ये पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या है, हमने मान लिया है कि जीरो है, तो फिर किसी भी जगह का पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल हो जाएगा उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है ना। तो अभी हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज ही है, तो मैं ये कह सकता हूं व्हाइल मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस।
या फिर एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो तुमने सुना होगा, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम, याद रखना है ये भी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चल रही होती है। अगर इस तरह से कोई दे दे आपको कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ई, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फिर भी अगर पूछा जाए कि ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा या बी पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा, तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ जा रही है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी पॉइंट से, ठीक है ना। अगर वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज कर ही सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपली आप कह सकते हो, मैं किस तरह से याद रख लेता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। और फिर नेट डेल्टा वी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है वो हम कैसे देख सकते हैं, वो हम इस चीज से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे फ्लो करेगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगी। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं जो मैंने अभी बोला उसका, वो ये है कि मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपको दी हुई है, मान लो 10 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है मान लो 3 मीटर। तो अगर ऐसा कोई पूछे, 3 मीटर कोई अगर पूछता है वीपी माइनस वीए, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ फ्लो कर रही है, यानी कि बी पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, तो ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 इंटू उनके बीच का सेपरेशन 3, तो 30 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो साइन मैंने कैसे देख लिया, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या किसी को डाउट है इसमें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको याद क्या क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और कितने वैल्यू से डिक्रीज होता है, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। नेगेटिव वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसी में कोई पूछ लेता है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तो वो हम क्या आंसर देते हैं, -30 वोल्ट, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप ए का पोटेंशियल, आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चल रहे हो तो ए का कम होना चाहिए बी से, तो कोई वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है तो आंसर क्या होता, -30 वोल्ट होता है। आपको तो बस ये देखना है कि जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा दो पॉइंट्स के बीच में, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स, और वो सेपरेशन किस डायरेक्शन के अलोंग दिलाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है ना। एस जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाता है, डेल्टा वी वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखना चाहो। हाँ अनिकेत, तुम्हारा डाउट है कि वी और यू में डिफरेंस क्या है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक तरह से सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बताती है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और पोटेंशियल बेसिकली बताता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछता कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 10 कूलम चार्ज को लेके गए, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोनों के बीच का डिफरेंस। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 10 कूलम चार्ज लेके गए, तो आपको जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा 100 जूल, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल, यानी टोटल चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये हो गया नेगेटिव और डेल्टा यू, ठीक है ना। चेंज इन पोटेंशियल किसे कहते हैं, डेल्टा वी किसे बोला जाएगा, तो वो हो जाएगा कि एक कूलम चार्ज को इसी पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक हम लेके गए होते तो वर्क डन कितना करना पड़ा होता,
वर्क डन ऑब्वियसली कितना आ जाता, 10 जूल, इसे आप कह देते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करने पर आपको क्या मिल जाता है, पोटेंशियल मिल जाता है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें तीन प्लेट्स दी गई हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो तीनों प्लेट्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लेट ए और सी का क्या होगा अगर बी का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ए और बी की सेपरेशन 2 मीटर है और बी और सी की सेपरेशन 4 मीटर है। प्रिंसिपल वही यूज करना है कि चेंज इन पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। हाँ, अब वी बी माइनस वी ए लिखना है, वी ए माइनस वी बी लिखना है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो हम कैसे देखेंगे, वो हम इस प्रिंसिपल से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। हाँ, अरित्रा ने लिखा है, अगर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की तरह यूज किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज की तरह रिप्रेजेंट करती है। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों में बस चार्ज से मल्टीप्लिकेशन का अंतर होता है। कुणाल का आंसर आया है 10 और -40, रुद्रायन का आया है 30 और 60। क्वेश्चन में लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास तीन प्लेट्स हैं ए बी और सी, जहाँ इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो कि है 5 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है जो कि है 10 न्यूटन पर कूलम। इनके बीच की सेपरेशन 2 मीटर है और इनके बीच की सेपरेशन 4 मीटर है। इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो ए और सी का पोटेंशियल बताना है। अभिरूप का भी 30-60 है, प्रीति का 10 और 40 आ रहा है। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हो आंसर। ये दो ही आंसर आ रहे हैं सबके, 30 और 60 या फिर 10 और 40। ठीक है, मैं देख लेता हूं, पहले मैं ए और बी को देख लेता हूं। ए और बी के लिए, ठीक है ना, पहले ही मैं बस डेल्टा वी कैलकुलेट कर रहा हूं बिना देखे कि किसका हाई है किसका लो है। डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनके बीच की दूरी, तो 10 वोल्ट का अंतर होने वाला है। ठीक है ना, अब किसका पोटेंशियल हाई होगा, किसका पोटेंशियल 10 वोल्ट ज्यादा होगा, क्योंकि अंतर बस 10 वोल्ट का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है ए से बी की तरफ, यानी ए का पोटेंशियल जो है क्या होना चाहिए, बी से हाई होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि बी ए माइनस वी बी ये होना चाहिए 10 वोल्ट, क्योंकि ए का बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है ए से बी की तरफ, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी को मैं 20 अगर रख देता हूं तो 10 प्लस 20 यानी कि 30 वोल्ट। तो ए का पोटेंशियल तो हमें क्या मिल गया, 30 वोल्ट मिल गया। सिमिलरली बी और सी के लिए भी मैं डेल्टा वी पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूं। डेल्टा वी कितना हो जाएगा, वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में इनटू इनके बीच का सेपरेशन, यानी कि 40 वोल्ट का अंतर है दोनों के पोटेंशियल के बीच में। अब किसका पोटेंशियल हाई होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी से बी की तरफ जा रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सी से बी की तरफ जा रही है इसका मतलब क्या है कि सी का पोटेंशियल हाई होना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ वी सी माइनस वी बी ये होना चाहिए 40 वोल्ट, तो वीसी हमें मिलता है 60 वोल्ट। ठीक है ना, काफी लोगों का आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। इसमें बोला गया है अ चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फाइंड वी ए माइनस वी बी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। पोजिशन वेक्टर दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और चार्ज दिया हुआ है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5i क्या माइनस 3k क्या, और चार्ज हमें दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, a का पोजीशन वेक्टर है 2i क्या प्लस 3j क्या माइनस 4k क्या, और b का पोजीशन वेक्टर है माइनस आई क्या माइनस 2j क्या प्लस 3k क्या। थाउजेंड एक आंसर आया है कुणाल का। एटीन थाउजेंड किसका आंसर था कुणाल? ये पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल एनर्जी थी। थर्टी सिक्स सौरव और रुद्रायन का आंसर आया डेल्टा वी का। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज जीरो। ठीक है, तो जब भी वेक्टर आ जाए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपली क्या करो फॉर्मूला पुट करो जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, मैं पहला पार्ट कर देता हूं जो कि क्या है VA माइनस VB। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA DS वेक्टर, मैं माइनस साइन नहीं पुट कर रहा, तो ये हो जाएगा RA से लेके RB तक। ठीक है, पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है 5i कैप माइनस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट DS वेक्टर क्या हो जाएगा DXi कैप प्लस डीजेड के क्या, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आई और के है इसलिए मैंने एक्स और जेड ही लिया। लिमिट हमें पुट करनी थी, यहां से हमें मिलेगा ये 5 dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dz, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होने वाला है, तो आप लिमिट पुट कर सकते हो किसकी, एक्स की। एक्स की लिमिट जो है आप ए से बी लेके जा रहे हो, और लिमिट भी आर ए से आर बी पुट करनी है, यानी 2 से लेके -1, और z के लिए आप देख सकते हो -4 से लेके +3। यहां से हमें मिल जाएगा 5x 2 से लेके -1, ठीक है ना, -3z -4 से लेके 3, ये हमें मिल गया 5 -1 -2 -3 -3 3 -4 7, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपके पास 15 -21। ठीक है, ये तो -6 वोल्ट के करीब आ रहा है। अच्छा -15 -21 हो गया ना हमारे पास -36 वोल्ट, ये आंसर होगा -36 वोल्ट। ठीक है, सिंपल था। अब पूछा गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाती है, सिंपली आप ए से बी लेके जा रहे हो, ठीक है ना, ए से बी लेके जा रहे हो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखा जाएगा, यू बी माइनस यू ए, जो कि क्या हो जाएगा चार्ज इंटू वी बी माइनस वी ए। चार्ज पुट कर दो 2 × 10⁻⁶ कूलम, और वी ए माइनस वी बी है -36, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा +36, तो यह आ जाएगा 72 × 10⁻⁶ जूल। ये हो गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
कोई डाउट इसमें? ठीक है ना? रुदायन तुम कह रहे हो वेक्टर लेके डॉट किया तो 15 + 21 आया। वेक्टर लेके डॉट किया होगा तो भी आंसर तो यही आना चाहिए था। बस ये याद रखना तुमने आरबी माइनस आर ए नहीं कर दिया, ठीक है ना? मतलब आर ए माइनस आरबी ना कर दिया, आरबी माइनस आर ए करना था। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हो? किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, ठीक है ना? आगे कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं से आपको फॉर्मूले वगैरह याद करना शुरू करना होगा। ठीक है, अलग अलग जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने कैलकुलेट की थी, अब हम सबके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अलग अलग के लिए वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमें याद रखना है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ी थी पॉइंट चार्ज की, तो सबसे पहला है हमारे पास टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मान लो कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो क्यों ना हम हर जगह का पोटेंशियल पहले से डिफाइन कर दें, ताकि हम वर्क निकालने के लिए सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें, जो कि सिंपली हो जाएगी चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो मान लो कि मेरे पास चार्ज क्यू है, जो कि अपने से कुछ डिस्टेंस आर पे जो पॉइंट है पी, वहां पे कुछ पोटेंशियल बना रहा है वीपी। तो वही पोटेंशियल कितना है हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो वही तरीका यूज करेंगे जो हमने फील्ड के लिए यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। मैं इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू लाके रख देता हूं। अगर आप ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पी पे लाके रख रहे हो तो आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। ऑब्वियसली हम चार्ज क्यू को कहां से लेके आए? इंफिनिटी से लेके आए। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो ही मानते हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की आप डिफाइन करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल की डिफाइन करेंगे हम, तो वो हमें मिलेगी के क्यू क्यू बाय इनके बीच का सेपरेशन आर। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी बात यह है कि अगर इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल है वीपी और वहां पे एक चार्ज लाके रखा गया है क्यू, तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो आप कह सकते हो कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर आप किसी भी जगह पे रखते हो जहां पे पोटेंशियल V है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है चार्ज इनटू उस जगह का पोटेंशियल। ठीक है ना? तो पोटेंशियल जो स्मॉल q चार्ज का होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी P पॉइंट का पोटेंशियल इनटू इस चार्ज का चार्ज। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है, तो हम वन और टू को इक्वेट कर सकते हैं। तो के क्यू बाय आर इंटू क्यू इक्वल होना चाहिए वीपी इंटू क्यू। यहां से पी पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिलता है के क्यू बाय आर। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो है नहीं, इसलिए काफी इजी है। आप सिंपली क्या याद रख सकते हो कि कोई भी पॉइंट चार्ज खुद से आर दूरी पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है? के क्यू बाय आर। चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप कर रहा होगा, और नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है के क्यू बाय आर। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट वही हो जाएगी वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। क्वेश्चंस इस पे देख सकते हो, नेट पोटेंशियल बताना है हमें एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे बस एक क्यू की वजह से और दूसरे क्यू की वजह से आप पोटेंशियल लिख दोगे। सभी लोग ट्राई करो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है।
एक चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज है टू क्यू और बीच में पॉइंट है पी, एग्जैक्टली बीच में ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा। सबको समझ तो आ रहा है ना कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब ये है कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पी तक लेके आते तो आपको इतना वर्क करना पड़ता। ये बेसिकली हमें पी पॉइंट की पी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस बता रहा है, मीनिंग ये हुआ। आंसर आ चुका है 3 KQ/x माइनस KQ/x। सर स्क्रीन ही विजिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है? डायरेक्शन नहीं होगी, कोई अलोंग माइनस आई कैप बता रहा है, तो बेटा डायरेक्शन नहीं होती है पोटेंशियल की, स्केलर क्वांटिटी है, बस मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, आई कैप जे कैप में आंसर नहीं आएगा इसका। दो आंसर आ रहे हैं 3 KQ/x और -KQ/x। ठीक है, तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो ये नोट बना के यहाँ पे लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय और पोटेंशियल निकालते समय हमें साइन के साथ चार्जेस को पुट करना होगा। फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज ने इस पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस किया होगा वो होगा KQ/x, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी है। प्लस इस टू क्यू ने जो प्रोड्यूस किया होगा वो होगा K2Q/x। तो यहां से हमें मिलेगा 3 KQ/x, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मत दे देना ऐसे और सब्ट्रैक्ट करके, इसलिए कुछ लोग आंसर दे रहे हैं माइनस आई कैप में, ठीक है, तो गलत है। बी पॉइंट का आंसर क्या होगा? बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाए बी पार्ट में, तो बी पार्ट में हमें एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है क्यू, एक दिया हुआ है -2Q और ये है हमारा पॉइंट P। ये डिस्टेंस दी हुई है x और ये डिस्टेंस दी हुई है 2x। ठीक है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए मैं क्या कर लूंगा, इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, वो हो जाएगा KQ, इससे दूरी कितनी है 3x, प्लस K -2Q की वजह से -2Q बाय इससे डिस्टेंस कितनी है 2x। ठीक है ना, तो यहां में कितना मिल जाएगा -2 KQ/3x। तो ये है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पॉइंट चार्ज का काफी सिंपल है, अब इसी पे कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ठीक है, तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं, इसमें डायरेक्शन का तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये मत सोचना कि 60 डिग्री पे है और रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, हमें बस सिंपली क्या निकालना है, यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकालना है। तो सोच के देख लो, 2Q चार्ज यहाँ से कितनी दूरी पे है, इसने पोटेंशियल बनाया होगा K2Q/a,
प्लस माइनस क्यू ने कितना बनाया होगा, के माइनस क्यू बाय ए, यहां से हमें मिलेगा के क्यू बाय ए, ये आंसर हो रहा है। या फिर आप क्या सोच सकते थे, 2q चार्ज ए दूरी पे है और माइनस क्यू चार्ज भी ए दूरी पर है, तो नेट ए दूरी पर कितना चार्ज है, 2q माइनस क्यू यानी कि क्यू, तो के क्यू बाय ए हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट को बता दो जल्दी से। तो बी पार्ट के लिए हम यही देख लेते हैं, सारे चार्जेस आर दूरी पर ही हैं, ठीक है, तो कितना है नेट चार्ज आर दूरी पर, आप देख सकते हो 3q है प्लस क्यू 4q, माइनस 4q गायब हो गया, सिर्फ माइनस क्यू बचा, तो पोटेंशियल एट पी कितना हो गया, के माइनस क्यू बाय आर, क्योंकि सारा चार्ज आर दूरी पर ही। सी पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सी पार्ट में दिया गया है एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है और ये इसका बाइसेक्टर है, उस पर एक पॉइंट है पी, इसकी डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। ये बेसिकली क्या है, एक डायपोल बना हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से तो उसके बाइसेक्टर पे हमसे पूछा गया है पोटेंशियल, हालांकि हम डिराइव करेंगे तो आंसर उसका क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जो डिस्टेंस यहां से होगी वही डिस्टेंस यहां से भी होगी, तो ये है अगर आर, ये है अगर आर जनरल पॉइंट के लिए, तो के क्यू बाय आर प्लस के माइनस क्यू बाय आर, और ये कितना ही आने वाला है, जीरो। तो हालांकि ये आगे हम पढ़ेंगे भी कि बाइसेक्टर ऑफ डायपोल के ऊपर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ सम भी हमने कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हमसे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एंड बी एंड सी इफ डिस्टेंस ए बी इज 5 मीटर। ए बी डिस्टेंस जो है 5 मीटर दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, और ए और बी पॉइंट्स इस तरह से हैं और ए दूरी हमें दी हुई है 5 मीटर, ठीक है ना, ये एंगल 37 डिग्री दिया गया है। तो वैसे बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं मैं, थोड़ा दिखे जिससे, ये हो गया आपका पॉइंट सी, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए, ये 37 डिग्री, ये है 5 मीटर, तो एसी दूरी हो जाएगी 5 cos 37 डिग्री यानी कि 4 और ये है 5 sin 37 डिग्री यानी कि 3 और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये याद क्या रखना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलने पर पोटेंशियल क्या होता होगा, बढ़ता होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर क्या होता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी कि ना तो आप उसकी डायरेक्शन में चल रहे हो ना उसके ऑपोजिट चल रहे हो बल्कि उसके परपेंडिकुलर अगर चल रहे हो, तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, यानी कि पोटेंशियल ना तो बढ़ता है ना ही तो घटता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी, वो तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, जीरो। क्यों आ गया बी और सी का जीरो, क्योंकि आप ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, ये तो सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और वो लाइन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें मिला था ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां एस वेक्टर होता था पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हम देख सकते हैं कि बी से सी या सी से बी जाने के लिए आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे और ये डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ना तो आप उसकी डायरेक्शन के अलोंग चले और ना आप उसके ऑपोजिट चले, अलोंग चलते तो पोटेंशियल घटता, ऑपोजिट चलते तो पोटेंशियल बढ़ता, इसलिए जो पोटेंशियल बी का है वही पोटेंशियल सी का है, तो वी बी माइनस वी सी कितना हो चुका होगा, जीरो। अब हमसे पूछा जाए ए और सी,
तो वो भी हम बता सकते हैं पोटेंशियल, सॉरी पूछा गया है ए और बी के बीच में, तो जो डिफरेंस ए और सी के बीच में है वही डिफरेंस ए और बी के बीच में भी होगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, मैं क्या कह सकता हूँ, पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, तो बेसिकली वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी, तो मैं यही निकाल देता हूँ, वी ए माइनस वी सी, ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ए से सी की तरफ जा रही है, तो ए का पोटेंशियल हाई होना चाहिए था, तो आंसर तो हमारा पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10, और सेपरेशन कितना है ए और सी के बीच में, वो है 10 cos 5 cos 37 डिग्री, यानी कि 4, वो आ गया 40 वोल्ट। तो वी ए माइनस वी बी आपको कैसा मिलेगा, प्लस 40 वोल्ट मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि ए से बी की तरफ फील्ड जा रही है, ऐसा देख सकते हैं, या फिर ए से सी की तरफ फील्ड जा रही है, ठीक है ना, तो प्लस 40 हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कर सकते हो, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें इनफिनाइट चार्जेस बस ओरिजिन पे लगाए गए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, एक सीरीज जैसी फॉर्म हो जाएगी। आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है ना। हाँ रोहन, तुम्हारा डाउट है कि ए से बी का 40 होगा क्या? अरे भाई बी और सी क्योंकि सेम परपेंडिकुलर लाइन पर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो बी और सी का सेम है, तो जब वी ए माइनस वी सी 40 वोल्ट है, तो सी और बी का सेम है, तो वी ए माइनस वी बी भी क्या होगा, 40 वोल्ट, ठीक है ना। अगली चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। अच्छा होगा कि जब हम पोटेंशियल डिराइव कर रहे हैं तो तुम मन में एक बार रिवाइज करके देखो कि तुम्हें फील्ड का फॉर्मूला याद है कि नहीं है। तो ये हमारे पास पॉइंट है और ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, इसे कुछ चार्ज दिया गया है क्यू, मैं मान लेता हूँ रेडियस है इसकी आर, आपको पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। अगर फील्ड का फॉर्मूला आप याद करते पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फील्ड हमेशा कैसी होती है, रिंग से दूर जाती हुई होती है, सेंटर पे फील्ड जीरो होती है, इन्फिनिटी पे फील्ड जीरो होती है, मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे होती है, प्लस माइनस आर बाय रूट टू पे। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग में। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वही छोटा सा एक डी क्यू एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, और उसकी वजह से इस पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देता हूँ। अगर आप छोटा सा पोटेंशियल लिखोगे डी वी, तो उसकी वैल्यू आएगी के डी क्यू बाय, इसको अगर मैं स्मॉल आर बोल दूं तो स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई डायरेक्शन तो है नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी, तो बस इसी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, के डी क्यू बाय स्मॉल आर की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट करने से आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा पी पॉइंट पे। पोटेंशियल एट पी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, आर फिक्स है, पी पॉइंट की दूरी फिक्स है, यानी सब कुछ कॉन्स्टेंट है, बेसिकली इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, डी क्यू। छोटे से डी क्यू को इंटीग्रेशन अगर आप करोगे पूरी रिंग के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज क्यू, फॉर्मूला आ जाता है के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखना है फॉर्मूला। अगर सेंटर पे कोई पोटेंशियल पूछ लेता है, तो हम जानते हैं कि रिंग के लिए सारा का सारा चार्ज कितनी दूरी पे है, आर दूरी पर है, तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, टोटल चार्ज आर दूरी पर है, के क्यू बाय आर, ये जाता है सेंटर पे पोटेंशियल, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि डिक्रीज होता रहेगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो रिजल्ट जरूर याद रखना है। मान लो कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पे पोटेंशियल आया है के क्यू बाय आर, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि ये एक रिंग है जहां मान लो कि चार्ज सिर्फ इस क्वार्टर के अंदर था, बल्कि
हाफ में रिंग था, हाफ में चार्ज था, टोटल चार्ज क्यू, और इस हाफ में कोई चार्ज ही नहीं था। अब पूछा जाए सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो भी आंसर क्या आएगा, के क्यू बाय आर ही आएगा, क्योंकि अब भी सेंटर से टोटल चार्ज आर दूरी पे कितना है, क्यू ही है। तो यूनिफॉर्म रिंग दी गई हो या नॉन यूनिफॉर्म रिंग दी गई हो, हमारे लिए जो आंसर एक्सिस पर आता है वो यही आता है, सेम आता है। तो ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों रिंग्स के लिए वैलिड है ऑन द एक्सिस, और सेंटर पर भी क्या आंसर आता है, सेम। ठीक है ना, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर वन देख सकते हो, एक सेमी सर्कुलर रिंग हमें दी गई है, ठीक है ना, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पे चार्ज 2q डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें पता है। सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, के 2q बाय आर, तो ये पार्ट का आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, सभी लोग देखो बी पार्ट का आंसर दे सकते हो क्या, बी पार्ट जो दिया हुआ है। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर क्या आ गया है, जीरो, जो कि काफी सिंपल था। क्योंकि यहां पे चार्ज माइनस 3q है इस क्वार्टर में, इसमें प्लस 6q है, इसमें माइनस 5q है, इसमें प्लस 2q है, सेंटर पे पोटेंशियल पूछा गया है, हम कह सकते हैं क्योंकि सारा चार्ज r दूरी पर ही है, और टोटल चार्ज r दूरी पे कितना है, 6 प्लस 2 8 माइनस 5 3 माइनस 3 0, पोटेंशियल O पे कितना आ गया, 0। इसका सी पार्ट अच्छा है, ठीक है, आज टाइम नहीं है, कल करेंगे उसे, सभी लोग करके रखना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो एक क्वेश्चन रह गया है, और इसका सी पार्ट आगे डी है, ई पार्ट है, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क, ठीक है।